हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा 60,000 से कम कीमत पर उपलब्ध 3 सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप्स, जो इस रेंज के सबसे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स हैं, जो फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टेक टॉक और देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3 सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप्स 60,000 के नीचे के रेंज के। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम तीसरे नंबर पे, लेकिन इन लैपटॉप्स में कुछ खासियत है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन तीनों लैपटॉप्स में SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लगी हुई हैं। तीनों में एक्सटर्नल NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूनिट जो कि मदरबोर्ड में होता है, उससे गेमिंग प्रोसेस नहीं हो सकती, इसलिए एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है। और इन तीनों लैपटॉप्स में एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA का लगा हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पे जो गेमिंग लैपटॉप है वो HP का है और ये है HP Pavilion Gaming। ये लैपटॉप आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो AMD का Ryzen 5 है। साथ ही इसमें जो रैम आपको मिलता है वो 8GB का DDR4 रैम मिलता है। साथ ही SSD है इसमें लगी हुई, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव 512GB की, जो कि बहुत ही जरूरी है गेमिंग के दौरान इसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड जो कि इसमें लगा हुआ है, और ये है NVIDIA GeForce GTX 1650 जो कि 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। गेमिंग के दौरान ये कार्ड ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग करेगा और इससे गेमिंग जो है वो बहुत ही स्मूथली इस लैपटॉप में रन करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा लैपटॉप मौजूद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप मौजूद है वो एसर का है और ये है एसर एस्पायर 7। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो AMD का Ryzen 7 है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। साथ ही इसमें भी आपको मिलेगी SSD 512GB की, साथ ही 8GB रैम इसमें आपको मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको मिलेगा NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 1650। तो ये ओवरऑल हार्डवेयर जो है ये बहुत ही अच्छा है गेमिंग के लिए, और ये लैपटॉप AMD Ryzen 7 और NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड के साथ बहुत ही स्मूथली गेम्स को रन करेगा। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में Acer Aspire 7 दूसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा लैपटॉप मौजूद है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो लैपटॉप है वो Asus का है और ये है Asus Vivo Book Gaming। ये लैपटॉप जो है इसमें प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन है। इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i5 8th जनरेशन, 8GB रैम आपको मिलता है इस लैपटॉप के साथ। साथ ही इसमें भी SSD लगी हुई है 512GB की, और NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है GeForce GTX 1650। तो दोस्तों, इस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से गेमिंग इस लैपटॉप में बहुत ही स्मूथ रन करने वाली है, और हमारे इस लिस्ट में दोस्तों Asus का ये लैपटॉप Asus Vivo Book Gaming पहले नंबर पे है। तो दोस्तों, ये थे 3 लैपटॉप्स। आप तीनों में किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों को कंपेयर कीजिएगा तो जो नंबर 1 पर लैपटॉप है Asus का Asus Vivo Book Gaming, इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली पहले 2 जो लैपटॉप मैंने बताए हैं उनसे अच्छी है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों लैपटॉप्स हैं ये मिड रेंज लैपटॉप्स हैं गेमिंग के लिए। अगर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स लेना चाहते हैं तो उनकी प्राइस जो है वो 60,000 से ऊपर चली जाएगी। इन लैपटॉप्स में भी आप गेम्स लो कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप सही में गेमिंग खेलना चाहते हैं तो आप हाई एंड लैपटॉप्स ले सकते हैं जिनकी कीमत 1,00,000 से ऊपर चली जाती है। और अगर आप एक्सट्रीम गेम खेलना चाहते हैं, आप गेमिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप लैपटॉप छोड़कर डेस्कटॉप पर आ जाइए, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो परफेक्ट डिवाइस है गेमिंग के लिए। दोस्तों ये मेरी तरफ से सजेशन है। लैपटॉप भी गेमिंग के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम गेम खेलना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पर जाइए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।